हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल गुलदस्ता में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिले। आज हम बनाएंगे मुर्ग भुना मसाला। ये एक स्टार्टर भी है और इसे आप रोटी पराठे के साथ भी खा सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए चिकन। चिकन को धो करके हम साफ कर लिए हैं और इसका पूरी तरह से पानी सुखा लेना है ताकि मैरिनेट हम जब करें तो इसमें से पानी बहुत ज़्यादा नहीं निकले। और मैरिनेशन के लिए हमें चाहिए अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट और हल्दी, नमक। अब हम मुर्गे को मैरिनेट कर लेंगे। हल्दी, नमक, एक बड़ा चम्मच लहसुन का पेस्ट, एक बड़ा चम्मच अदरक का पेस्ट और एक बड़ा चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट। ये सारे मसाले हम 1 किलो हमारा मुर्गा है उसके हिसाब से लिए हैं। आप जितने मुर्गे का बना रहे हो उस हिसाब से आप मसाले को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इन सभी को अच्छे से मिक्स करके हमें कम से कम इसे 2 घंटे ज़रूर ही मैरिनेट होने देना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप जितनी देर रख सकें इतना ही अच्छा होगा। मसाला हमारा पूरी तरह से मैरिनेट हो चुका है मुर्गे में, तो अब हम इसे डब्बे का ढक्कन बंद करके और हम इसे ओवरनाइट फ्रिज में रख देते हैं मैरिनेशन के लिए। इसे पकाने से पहले अगर आप फ्रिज में रखे हैं मैरिनेशन के लिए तो उसे रूम टेम्परेचर पर लाना बहुत ज़रूरी है। तो जब तक हमारा चिकन रूम टेम्परेचर पे आ रहा है हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए प्याज। प्याज हम लगभग 750 ग्राम लिए हैं और इसे चॉप कर लेना है, मीडियम साइज में इसे चॉप कर लेना है। टमाटर 2 बड़े इसे लंबा लंबा काट लेना है। और मसाले चाहिए हमें धनिया पाउडर 2 बड़ा चम्मच, जीरा पाउडर 2 बड़ा चम्मच, चिकन मसाला 3 बड़ा चम्मच, हल्दी और नमक। फोरन के लिए हमें चाहिए तेज पत्ता, दालचीनी, जावित्री, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, कुटी हुई लौंग और जायफल करीब 1 छोटा चम्मच, चक्री फूल और साबुत जीरा। अब हम भुना मुर्ग बनाना शुरू करते हैं। तो कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है, आंच हम तेज ही रखेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है तो इसमें सारा साबुत फोरन जो हम रखे हैं वो उसे हल्का पका लेंगे। फोरन पक चुका है हमारा, तो यहाँ हम सबसे पहले प्याज डाल करके इसे बीच बीच में चलाते हुए हमें बिल्कुल भूरा रंग करना है, ब्राउन इसे हमें भूनना है। थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि प्याज आसानी से भुने भी, उसका कलर भी अच्छा है और जल्दी से ये भुन भी जाए। प्याज हमारा भून चुका है, इसका कलर इसी तरह से भूरा हो जाना चाहिए, ब्राउन हो जाना, गोल्डन ब्राउन हो जाना चाहिए। तो अब हम इसमें डालेंगे मुर्ग जो हमने मैरिनेट करके जो हम मुर्गा रखे हुए हैं उसे हमें यहाँ इसमें मिला लेना है।
और इसे चलाते हुए ही हमें लगभग 20 मिनट तक भूनना है। थोड़ी थोड़ी देर के लिए इसे हम छोड़ेंगे और चलाते रहेंगे और इसे तेज आंच पर ही हम अभी 20 मिनट कम से कम भूनेंगे। और रूम टेम्परेचर पे अगर आपका मुर्गा नहीं आया रहेगा, अगर आप फ्रीज में रखते हैं तो ठीक से वो पकेगा नहीं। तो इसीलिए एक तो बहुत जितना आप लंबे समय के लिए इसे मैरिनेट करके रखेंगे उतनी आसानी से पकेगा और सॉफ्ट बनेगा। तो इसलिए इसे हम बीच बीच में हम चलाते रहेंगे और इसे लगभग 20 मिनट तक हम भूने हैं। अब हम इसमें मिलाएंगे बाकी के सभी मसाले। टमाटर कटा हुआ, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, चिकन मसाला और थोड़ी सी हल्दी, और इसे अच्छे से मिलाएंगे और कम आंच पर ही इसे अभी हम 5 मिनट करीब भूनेंगे और फिर इसे हम ढक देंगे। ढककर सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए हम ढकेंगे और फिर से ढक्कन हटा करके हम इसे भूनेंगे। अभी इसे हमें कम आंच सिम आंच में ही भूनना है जब तक कि हमारा चिकन पूरी तरह से पक ना जाए। इसी तरह से हम इसे 1 या 2 मिनट के लिए ही सिर्फ ढकेंगे और फिर इसे अच्छे से हम पलटेंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, और इसी तरह से हमें भूनते हुए तब तक पकाना है जब तक कि हमारा चिकन पूरी तरह से पक ना जाए। इसमें हमें कोई पानी नहीं मिक्स करना है, इसीलिए आंच बहुत ही धीमी हो ताकि हमारा मुर्ग जले भी नहीं और पूरी तरह से स्टीम में पक जाए। करीब आधा घंटा हो चुका है और चिकन हमारा पूरी तरह से पक भी चुका है और भुन भी गया है। इसका कलर आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर आ गया है। तो यहाँ पर अब हम गैस को बंद कर लेंगे और इसे अब हम परोसेंगे। तो इस तरह से हमारा भुना मुर्ग बनकर तैयार है। हमारा भुना मुर्ग तैयार है। तो ये देखने में जितना ही खूबसूरत है इतना ही स्वादिष्ट ये खाने में भी होता है। अगर आप इसमें ग्रेवी डाल के भी बनाना चाहते हैं तो इसके लिए भी इस तरह से हम इसमें थोड़ा सा, बिल्कुल ही थोड़ा पानी डालेंगे और इसे हम एक उबाल आने देंगे। बिल्कुल तेज आंच पर ही हम इसे एक उबाल आने देंगे सिर्फ। और अब हम गैस बंद कर लेंगे और इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसका आप रसे वाला भी तरी तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा भुना मुर्ग और रसे वाला मुर्ग भी तैयार है। तो आप भी इसे बनाएं, खाएं और हमें भी कमेंट करके बताएं कि आपको ये स्वाद कैसा लगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए स्वाद के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू।